प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने रामपुर और आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर भतीजे अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब मुझे किसी ने निमंत्रण ही नहीं दिया, मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो मेरे आंख और कान दोनों बंद है। इस चुनाव में मैं बिल्कुल शांत हूँ। वहीं आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी भतीजे धर्मेंद्र यादव को जीत का आशीर्वाद देने वाले सवाल पर कहा, हमसे आशीर्वाद मांगेंगे तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन जब कोई आशीर्वाद ही नहीं मांग रहा तो मैं यहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद कैसे दे दूं। आपको बता दें कि यूपी में आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इन दोनों ही सीटों पर 23 जून को वोटिंग होनी है। तो वहीं आजमगढ़ में बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को और बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अभी धर्मेंद्र यादव यहां अकेले ही जूझ रहे हैं। बीएसपी ने इस सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनावी मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।